विरागी जिसके पीछे दुनिया सारी। आया आया मैं तो आया, जन्नत की बाहर लाया, आया दिल पे छाया, जादू को दिखाने आया, जादू का तमाशा लाया, लाया दिल पे छाया। मैं हूँ प्रिंस वीडी वरागी। प्रिंस का शो देखने हम आए हैं फैमिली के साथ में, और काफ़ी अच्छा शो है, काफ़ी एंटरटेनिंग है। मतलब मूवीज़ वगैरह तो आजकल जो है अच्छी आ नहीं रही है, तो ये जो मैजिक का शो है ये काफ़ी हमको अच्छा लगा, और विद फैमिली इसको देख सकते हैं। बहुत सारे शोज़ अभी हमने देखे थे मैजिक शोज़ इतने टाइम में, बट ये वाला थोड़ा यूनिक है और सारे एज ग्रुप के बच्चों को या फिर बड़ों को सबके लिए एंटरटेनिंग है। अरे आया आया रे मैं तो लाया, लाया रे मैं तो छाया, दिलों में समाया, जादूगर जादू लेके आया, जादूगर जादू लेके आया। देखने के लिए आए हैं वीडी बैरागी का जादू शो, और मेरी बेटी है, इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है ये शो। हमने बहुत सारे शोज़ देखे हैं मैजिक शोज़, ये बहुत फ़ैन है मैजिक की, तो इसलिए हम लोग देखने के लिए आए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शो जो हमने अभी तक देखा है। प्रिंस वीडी बैरागी। मुन्ने मुन्ने प्यारे बच्चों देखो तुम मेरा कमाल, पल में हंसा दूं पल में रुला दूं ऐसा मेरा माया जा। मैजिशियन बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा मैजिक करते हैं, और उनकी ड्रेस चेंजिंग जो जल्दी जल्दी ड्रेस चेंज करते हैं, 3 सेकंड में नई ड्रेस पहन लेते हैं, वो बहुत एक्साइटिंग लगा कि कैसे कर लेते हैं। मैं तो बैठ बैठ के थ्योरीज बना रहा था कि ये मैजिक ऐसे हुआ होगा या नहीं ऐसे हुआ होगा, और बहुत अच्छा लगा इधर आके। बहुत अच्छा था। वैसे तो पहले मेरे को उम्मीद नहीं थी, मैं जादूगर वगैरह मैं मानता नहीं हूँ, बाकी यहाँ आके मेरे को लगा कि हाँ, मतलब हाथों की जो कला रहती है वो बहुत ही मतलब रहती है और लिटरली रहती है। काफ़ी अच्छा शो लगा वीडी शर्मा सर का, वीडी वैरागी सर का। जितने भी मैजिक एक्सपेरिमेंट वगैरह सब अच्छे लगे हैं, खासकर नागिन वाला शो। अपनी पत्नी और
दोनों बच्चों के साथ आया हूँ ये मैजिक शो देखने। जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा काफ़ी अच्छा शो है। मेरे एक्सपेक्टेशन थे कि होगा ठीक ठाक, लेकिन काफ़ी अच्छा शो दिखाया गया है और काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रोग्राम बताए गए हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार तो आप ज़रूर आके इसको देखिए। दरअसल मैजिक शो जो है ये बेसिकली एक नेचुरल इंटरटेनमेंट है। आजकल लोग बाग जो है जनरली टीवी है या मोबाइल है इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन इस तरह का जो इंटरटेनमेंट इस तरह को इनक्रेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें वास्तव में एक ये कला है और म्यूजिशियन की मेहनत भी है, तो इस तरह के इंटरटेनमेंट को जो है प्रोत्साहित करना ज़रूरी है। Thank you.